आपने जो है इसकी प्रिपरेशन पढ़ी, हमने कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ा था, और इसके अलावा हमने जो है रिएक्शन में मेटल्स के साथ भी जो इसकी रिएक्शन जो है देखी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें आपके पास एक इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है और आपके पास कोई भी लिविंग ग्रुप जो है वो एक कंपाउंड में से जो है वो रिलीज होता है। अगर हम हेलोहैलाइड्स की बात करें, हेलोहैलाइड्स में जो आपके पास बेंजीन होता है उसके साथ जो होता है कोई भी हैलोजन जो होता है वो जुड़ा होता है। ये जो आपके पास हैलोजन होता है, हैलोजन का जो है वो माइनस आई इफेक्ट होता है, बट एट द सेम टाइम इसका जो है वो प्लस आर इफेक्ट भी होता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, प्लस आर का इफेक्ट का मतलब होता है बाई मीन्स ऑफ रेजोनेंस जो है ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज इस पे जो है वो माइनस आई इफेक्ट है। बट एट द सेम टाइम उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपके पास बेंजीन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम है, इस पे तीन या आपके पास जो है तीन पेयर जो है वो लोन पेयर के हैं। तो अगर इसका प्लस आर इफेक्ट है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और रिंग में से जो इलेक्ट्रॉन जो है कॉर्नर के लिए जो है चला जाएगा। बाय मींस ऑफ रेजोनेंस जो है हम इसको ऐसे जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लोरीन के ऊपर दो ही आपके पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फिर वैसे ही डीलोकलाइजेशन दिखानी है, ये वाला नेगेटिव चार्ज से बनेगा आपके पास बॉन्ड और बॉन्ड से बनेगा आपके पास चार्ज, और ऐसे जैसे कंडीशन आ जाएगी, इधर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये कॉर्नर पे, फिर यहाँ पे नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर आएगा आपके पास क्लोरीन, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, फिर ये वापस आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा और आपके पास क्लोरीन, इधर आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्लोरीन के ऊपर जो कोई चार्ज नहीं होता जब नेगेटिव, जब इसके पास तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बाय मीन्स ऑफ रेजोनेंस आप देख रहे हो कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है किस क्लोरीन को। जो आपका हैलोजन होता है ना, हैलोजन जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ओपी डायरेक्टिंग, ऑल्दो दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दैट मींस वो जो है रिंग में से जो है, रिंग से जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेते भी है बाय मीन्स ऑफ माइनस आई इफेक्ट, बट एट द सेम टाइम प्लस आर इफेक्ट से जो है वो रिंग को जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करते हैं। अब चूंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है वो यहाँ पे ज्यादा हो रही है, यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, जिसे पैरा पोजीशन अगेन ऑर्थो पोजीशन, इसका मतलब कि जब ये प्लस आर इफेक्ट से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो पे हो रही है और पैरा पोजीशन पे हो रही है, इसका मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल दैट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज अगर आएगी और अगर वो प्रेफर करना चाहेगी इस बेंजीन के ऊपर अटैक करना, तो वो प्रेफर करेगी ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि वहां पे बाय मींस ऑफ रेजोनेंस से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। सो हम ये बोल सकते हैं दैट योर हैलोजंस आर आल्सो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, सो जब हम हैलोहैलाइड्स को किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करेंगे, आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पे भी अटैक होगा और पैरा पे भी अटैक होगा, आपके पास जो है वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे। सपोज करते हैं हम जो है वो हैलोजनेशन जो है वो शो करेंगे, पहले जो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, नंबर वन दैट इज हैलोजनेशन। अगर हम हैलोजन्स को जो है वो क्या करेंगे, इस पे जो है वो अटैक करवाएंगे, सपोज करो आपके पास जो है क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और इसमें हमने जो है क्लोरीनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, आप AlCl3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या होगा आपके पास इस केस में, आपके पास जो ये ऑर्थो है और ये आपका पैरा पोजीशन है, ऑर्थो में से एक एच निकल जाएगा, वो इसके एक सीएल के साथ मिलकर HCl बनाएगा और उसकी जगह पे सीएल आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाए और उसकी जगह पे क्या आ जाए, एक क्लोरीन आ जाए। अगर यहाँ से रिलीज हुआ तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से रिलीज हुआ तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। कुछ ऐसी जैसी कंडीशन आएगी, एक क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट होगा आपके पास कुछ ऐसा, ठीक है, मैं माइनस एच सेल जो है वो नहीं दिखा रही, इसका नाम होगा आपके पास 1,2-dichlorobenzene और इसका नाम होगा 1,2,3,4 दैट इज 1,4-dichlorobenzene। ये थी आपके पास क्लोरीनेशन, जिसमें आपके पास जो सीएल होता है, सीएल पॉजिटिव जो है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल।
नंबर सेकंड है आपके पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, जो आपका इनकमिंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रो ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होता है, सपोज करो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो होगा क्या, इसका एक एच इसके ओएच के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और आपके पास NO2 इधर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक एच इसके ओएच के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे NO2 जो है वो बनेगा। आपके पास ऐसी जैसी कंडीशन आ गई, या तो आपके पास इधर आएगा या तो आपके पास क्या बनेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, दैट इज इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, और इस केस में वाटर रिलीज होता है, देख रहे हो यहाँ पे जो है वो ओएच ग्रुप मिलती है आपके पास बच रहा है, वो ओएच जब इसके एच के साथ मिलकर जो है वाटर बनाएगा, यहाँ से भी मिलकर जो है वाटर बना सकता है, इसका नाम क्या होगा आपके पास, 1-chloro-2-nitrobenzene, और इसका नाम क्या होगा, 1-chloro-4 पोजीशन पे नाइट्रो है, देन 4-nitro और आगे आएगा बेंजीन, ठीक है। तो ये थी आपके पास दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड हम देखेंगे सल्फोनेशन। नंबर थर्ड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप क्या करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो और SO3H ग्रुप जो होता है बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, वही ऐसा इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। तो आपके पास अगर बेंजीन है, इसके पास Cl है, और अगर मैंने H2SO4 के साथ इसको ट्रीट किया तो अगेन इसका OH इसके H के साथ मिलकर वाटर बना सकता है, या इसका OH इस H के साथ मिलकर वाटर बना सकता है, और यहाँ पर क्या बनेगा, सपोज अगर यहाँ से गया तो SO3H इधर आ जाएगा, और अगर आपके पास नीचे से गया तो दैट मीन्स 4 पोजीशन पे गया तो आपके पास SO3H यहाँ पे आएगा। इसका नाम क्या होगा, SO3H जो होता है उसको आप कभी भी जो है सब्सट्रेट नहीं लेते हो, एज अ फंक्शन ग्रुप लेते हो, तो इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की तरह आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पास 1 पोजीशन यहाँ पे 1 और 2, 2 पोजीशन पे क्लोरो है, तो लिखेंगे 2-chloro-benzene sulfonic acid। वैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, 1-2-3-4, दैट इज 4-chloro-benzene थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अलास्ट से आपके पास अल्काइलेशन या फिर हम लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन भी हो सकती है, एसाइलेशन भी हो सकती है, अल्काइलेशन में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और एसाइलेशन में क्या होगा, एसाइल ग्रुप होगा। एसाइल ग्रुप क्या होता है, आर सी ओ ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लें, सपोज करो मेरे पास जो है वो क्लोरोबेंजीन है, अगर मैंने इसको किसी भी जो है वो अल्काइल हैलाइड, सपोज करो CH3Cl के साथ ट्रीट किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन FeCl3, तो इसका Cl इसके H के साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 इधर एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक Cl के साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सॉरी HCl में जो है वो रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 आएगा। पहले केस में आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे Cl आ सकता है, यहाँ पे आपका जो है वो CH3 आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरीन इधर ही रहेगा और आपका CH3 जो है वो नीचे आएगा। इस केस में हम जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास 1-chloro-2-methyl-benzene और इसका नाम क्या आएगा, 1-chloro-4-methyl-benzene, 1-2-3-4, 1-chloro-4-methyl-benzene, ठीक है। ये आपके पास जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। व्हाट अबाउट एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होता है आपके पास जो होता है वो CH3 नहीं बल्कि CH3CO ग्रुप जो होता है वो अटैच करता है। सपोज करो आपने जो है क्या ऐड किया, सपोज करो इसी में एलिपियो में यहाँ पे आपके पास बेंजीन है प्लस हमने क्या किया CH3C डबल बॉन्ड OCl, इतना सा जो होता है ना RCO ग्रुप, इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका Cl इसके H के साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसका H इसके Cl के साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास CH3CO यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। तो आपके पास जो है वो ऐसा जैसा आएगा, दैट इज COCH3, मैंने उल्टा करके लिखा, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है COCH3 हो सकता है, ठीक है। और इसका
जो नाम आएगा वो आएगा 2-chloroacetophenone, जो इतना होता है वो होता है एसिटोफिनोन, क्योंकि ये 2 पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2-chloroacetophenone. वैसे यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 4 पोजीशन पे क्लोरो है, तो हम लिखेंगे 4-chloroacetophenone. ठीक है, तो ये थी आपके पास फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन. इसमें क्या होता है, इसमें एसाइल ग्रुप जो होता है वो जुड़ जाता है. ठीक है, तो ये था आपके पास हैलोजन्स की कुछ क्रिएशन जो बची थी आपके. अच्छा, हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर. सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे. अल्कोहल क्या होता है, सपोज करो आपके पास जो है वो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, RH ग्रुप है, उसको आप जो है अगर OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप दे देते हो, OH अगर यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ROH लिखेंगे. दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल क्या चीज होती है, अल्कोहल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें OH ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ऐसी चीज जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अल्कोहल कहेंगे. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स. ये जो आपके पास आ रहे थे ये क्या होता है, आपका एल्केन होता है. यहाँ से आप H निकाल दोगे, उसकी जगह पे OH निकाल दोगे, दैट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन गया किसका, एल्केन का. ठीक है, यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो अगर आपके पास वाटर है, वाटर में आप एक एड को R को जो है वो जोड़ देते हो. ठीक है, R को जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनेगा, और H को निकाल दोगे तो आपके पास फिर से जो है वो क्या आएगा, आपके पास आएगा ROH. ठीक है, ROH का मतलब आपके पास क्या बन गया, फिर से एल्कोहल बन गया. ठीक है, तो अगर आप जो है वाटर के केस में अल्काइल ग्रुप को जोड़ दोगे, हाइड्रोजन को रिलीज कर दोगे, तो आपके पास फिर से अल्कोहल बनेगा. अगर आप एल्केन के केस में जो है वो एच को निकाल के वहां पे OH निकालोगे कि आपके पास फिर से क्या बनेगा, आपके पास फिर से अल्कोहल बनेगा. तो हम इसको जो है वो अल्काइल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, दिस इज अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर. दैट इज वाटर के केस में एक एच को निकाल दोगे, अल्काइल ग्रुप को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा. एल्केन में जो है वो OH को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, फिर से अल्कोहल बनेगा. ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एल्केन होता है, या फिर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर होता है. ठीक, अल्कोहल को हम जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. अगर आपके पास जो OH ग्रुप है वो खाली एक कार्बन के साथ जुड़ा है, सपोज करो मैंने जो है वो यहाँ पे C लिखा, इसके साथ जो है वो CH3 है, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन है. इधर कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप वो खाली एक कार्बन के साथ जो है वो नेक्स्ट जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, 1-degree अल्कोहल कहेंगे, जिसको हम जो है वो प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं. प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, ऐसा अल्कोहल कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच हो किसके साथ, एक ही कार्बन के साथ, इसको हम 1-degree अल्कोहल कहते हैं. अगर कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप दो और कार्बन के साथ जो है वो जुड़ा होगा, आप R भी लिख सकते हो, ठीक है, दो और कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, 2-degree अल्कोहल कहेंगे. 2-degree अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं. एंड अगर आपके पास कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप वो जो है वो तीन और कार्बन के साथ जो है वो जुड़ा होगा, तो उस टाइप के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, 3-degree अल्कोहल कहेंगे. 3-degree अल्कोहल का मतलब इधर कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप हो जाए वो तीन कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उसको हम 3-degree अल्कोहल कहते हैं, या फिर टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं. ठीक है, कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप किसका, कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, तीन और कार्बन के साथ जुड़ा है, उसको हम टर्शियरी अल्कोहल जो है वो कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. अभी जो है वो नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी 11th क्लास से पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल को हम जो है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका जो नंबर वन आएगा फ्रॉम हेलो एल्केन्स.
केस में क्या होता है आपके पास, सपोज करो आपके पास Rx है, Rx इज योर हेलोइल केस, ठीक है। अगर हम इसको जो है वो किसी भी बेस के साथ ट्रीट करते हैं, सपोज करो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, ये X रेड हैलोजन ग्रुप Na के साथ मिलके जो है वो सोडियम हैलाइड बनाएगा और OH जो है वो यहां पे आ जाएगा, दैट इज आपके पास बनेगा ROH प्लस बनेगा आपके पास NaX। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3Cl है प्लस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, मेरे पास बनेगा CH3OH प्लस बनेगा हमारे पास Na, ठीक है। तो हम जो है हाइड्रोलिसिस बोलो आप इसको, ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो जब आप अल्काइल हैलाइड की जो है वो बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टाइप ऑफ जो है वो अल्काइल हैलाइड लिया है, आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल जो है वो बनेंगे। नंबर सेकेंड है आपके पास फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सी एच ओ ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन क्या होता है आपके पास जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप होता है, और साइड पे क्या होते हैं आर आर प्रेजेंट होते हैं। सी एच ओ को हम जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो एच भी ले सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी होगा, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप ये इतना सा ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, तो अगर इसके दोनों साइड से जो है वो आर ग्रुप होगा, दैट मीन ये क्या है आपके पास टू डिग्री है, बिकॉज कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो दो कार्बन के साथ और जुड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे टू डिग्री कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। और टू डिग्री कार्बोनाइल ग्रुप किस पे प्रेजेंट होता है, ये कीटोन में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वन डिग्री है, सपोज करो एक साइड से आर लेकिन एक साइड से क्या है एच है, ये आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है ये एक ही आर के साथ दैट इज एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको एल्डिहाइड कहेंगे। एल्डिहाइड में क्या प्रेजेंट होता है आपके पास वन डिग्री कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो है इनके बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो करवाता है कार्बोनाइल ग्रुप। अगर आपके पास सेकेंडरी कार्बोनाइल ग्रुप होता है देन इट इज कीटोन, अगर आपके पास प्राइमरी होता है देन इट इज एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको इससे जो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम ब्रिगनार्ड रेजिन, दो तरीके से जो है हम एल्डिहाइड कीटोन को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में, एक तो ब्रिगनार्ड रेजिन के साथ, ठीक है, दूसरा जो है सिंपल इनकी रिडक्शन करके। सबसे पहले देखेंगे ग्रिगनार्ड रिएक्शन, सपोज करो मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके साथ जो है वो कुछ भी हो सकता है, पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे दोनों आर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पे एच हो, ठीक। तो अगर आप इसको जो है वो आर एम जी एस के साथ जो है वो ट्रीट करोगे, ठीक है, तो ये जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये क्या होता है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है ये आपके पास पोलर होता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो कौन सा अटैक करेगा, ऑब्वियसली पता है नेगेटिव चार्ज। और जो ग्रिगनार्ड रिएक्शन है वो कैसे टूटता है, वो आर नेगेटिव में टूटता है और एनजीएक्स पॉजिटिव में टूटता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑक्सीजन वाली चीज अटैक करेगी, वो होगी एनजीएक्स, और आपके कार्बन जो होगा जो कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां पे कौन सी चीज जाएगी आर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये वाले बॉन्ड जो मैंने लिखे थे वो ऐसे ही आएंगे, इस ओ के साथ आपके पास जो है वो एमजीएक्स आएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एमजीएक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और सिंपल जो आपका कार्बन होगा, ठीक है, डायरेक्टली मैंने अटैच कर दिया इसके साथ आर, बिकॉज आर के ऊपर क्या है, आर के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। आप क्या करना है यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर इसको एच दे दो और इस एमजीएक्स को जो है वो ओएच दे दो, ठीक है, वाटर में से एक ऐसा ओएच होता है, एच इसको दे दो ओएच जो है इसको दे दो, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा ओएच, यहाँ पे आएगा आर और प्लस आएगा आपके पास एमजी ओएच एच। इस एमजी ओएच एच को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। और ये चीज क्या बनी आपके पास, ये चीज अल्कोहल बनी, ये प्राइमरी भी बन सकती है, ये सेकेंडरी भी बन सकती है और ये टर्शियरी भी बन सकती है, डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन जो है वो लिया हुआ, ठीक है। सपोज करते हैं अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, इसी केस में अगर हम यहाँ पे क्या लें फॉर्मल्डिहाइड है, दैट इज दोनों कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, एच जुड़ा हो और आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड एसिड सी एच सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, प्लस हमने क्या किया सपोज करो मैंने आर एम जी एक्स के साथ जो है इसको ट्रीट किया, तो वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने जनरल यहाँ पे लिखाया, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा सी के साथ जो है वो एच है, यहाँ पे भी एच है, ठीक, ऐसा करते हैं यहाँ पे हम जो है वो सी एच थ्री लगा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा ओ एम जी एक्स और आपके पास यहाँ आएगा सी एच थ्री। फिर आप करोगे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ओ एच, मैग्नीशियम को ओएच दे दो तो आपके पास आएगा सी एच टू इस साइड से सी एच थ्री और यहाँ पे आएगा आपके पास ओएच और आएगा यहाँ पे एम जी एक्स और ओएच, ठीक है। ये जो आपके पास बना ये क्या है सी एच थ्री सी एच टू ओएच है, सी एच थ्री सी एच टू एंड ओएच,
आपके पास इथेनॉल बना, क्या बना? इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बना, बिकॉज कार्बन मेंटेनिंग ऑयल जो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फॉर्मल्डिहाइड को जब यह ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ ट्रीट करोगे आपके पास अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन कौन सा अल्कोहल बनेगा? वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर हम जो है वो क्या लेंगे, कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे, सपोज करो मैंने CH3CHO लिया, दैट एसिड एल्डिहाइड लिया, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे रख दीजिए ना फॉर्मल्डिहाइड है और नीचे वाला क्या है आपके पास एसिड एल्डिहाइड। आप चाहो तो यहाँ पे एथेनॉल भी लिख सकते हो। फिर सपोज करो इसी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ इसको वापस से ट्रीट किया, तो CH3 इधर आ जाएगा, O के साथ आपका MgX आ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ CH3 इस वाली साइड से H, यहाँ पे O MgX आ जाएगा और यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा। फिर से आपने हाइड्रेशन कर ली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 ऐसे ही, कार्बन ऐसे ही, ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसे ही, यहाँ वाला CH3 भी ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा OH और आगे आ जाएगा आपके पास क्या MgX और OH। अब देखो यहाँ पे C है जो कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप, कितने और कार्बन के साथ जुड़ा है, वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो प्रोपेन है, ठीक है ना, प्रोपेन 2 है, 1 2 3 प्रोप 2 प्रोपेन 2 OH है। इसका मतलब ये आपके पास क्या बना, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आप दूसरा अगर एल्डिहाइड का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल तो बनेगा लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर हम जो है वो कीटोन लेंगे, कीटोन के केस में क्या होगा, सपोज करो सी है यहाँ पे, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज एसीटोन, और इसको भी अगर आप RMgX के साथ ट्रीट करोगे, अगेन ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और आपके पास आएगा CH3 C, यहाँ पे भी CH3, इधर आएगा आपके पास OMgX, इधर आएगा CH3, अगेन इसकी हाइड्रेशन करवाओगे बिल्कुल वैसे ही जैसे करवाया था अभी तक, तो क्या आएगा CH3 यहाँ पे, कार्बन इधर, आपका OH इधर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा CH3 और आपके पास बाय प्रोडक्ट बनेगा MgX एंड OH। देन नाउ इन दिस केस जो कार्बन है वो जिसके साथ OH जुड़ा है वो 3 और कार्बन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या आएगा आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को जब आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट करते हो आपके पास जो है वो अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अगर आप कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज करोगे तो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर आप कीटोन यूज करोगे तो उस केस में आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बनेगा, ठीक है। अब सेकंड है ये तो सर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से हम जो है वो कैसे एल्डिहाइड या कीटोन से जो है अल्कोहल को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिखना है इसी एल्डिहाइड कीटोन में इनकी रिएक्शन। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को जो है रिड्यूस भी करते हैं तो उस केस में भी आपके पास क्या होता है, बी पार्ट में लिख देना, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो CH3 CH2 देन यहाँ पे आएगा OH, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन तोड़ दिया, दैट इज आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज एथेनॉल। सपोज करो मेरे पास है CH3 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर से CH3 प्लस किया हाइड्रोजन के साथ, आप चाहो तो यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है, Li AmH4, चाहो तो इधर भी सेम, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आपके पास बनेगा CH3 CH, ऊपर भी OH आएगा और इधर आएगा आपके पास CH3, या आपके पास क्या बनेगा, प्रोपेन 2 और बनेगा, दैट इज आपके पास क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे है, बिकॉज कार्बन का नहीं OH ग्रुप हो, 2 और कार्बन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हम जो है वो एल्डिहाइड कीटोन से जो है वो अल्कोहल बनाते हैं। नंबर थर्ड है आपके पास फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल प्लस एसिड बनता है। जैसे आप जानते हो कि अल्कोहल को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो आपके पास एस्टर प्लस वाटर बनता है, वैसे ही सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड OO C2H5, इसको जब आप जो है वो वाटर के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस भी कर सकते हो, तो C2H5 को O एक H बन मिल जाएगा, तो आपके पास जो है आपके पास अल्कोहल बनेगा, दैट इज इथेनॉल। इस साइड की इस साइड से आपके पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक और OH दे दो वाटर से, दैट एसिटिक एसिड, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास C2H5OH, दैट इज योर इथेनॉल। ये थी आपके पास एसिड कैटलाइज, आप बेस कैटलाइज भी कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OO C2H5 प्लस आपके पास वाटर ही है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बिकॉज हम जो है वो बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो इस केस में Na आ जाएगा और यहाँ पे तो आएगा, दैट इज ONa जो है, सपोज करो आप इधर अगर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O OS की जगह पे इधर बनेगा ONA, ठीक है। और आगे क्या बनेगा आपके पास, आगे से बनेगा C2H5। तो एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हो तभी आपके पास जो है वो अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम एल्कीन्स, नंबर 4 इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स की हाइड्रोलिसिस से भी आपके पास क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। सपोज करो आपके पास जो है वो CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, इसको हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर का एच यहाँ पे दे दो, OH यहाँ दे दो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पे जो है वाटर का फ्लोर वगैरह जो है अप्लाई नहीं होगा। आपकी अपनी मर्जी है, कहीं पर भी जोड़ सकते हो, OH कहीं पर भी जोड़ सकते हो। सपोज करो मैंने एच यहाँ पे जोड़ दिया तो CH3 बन गया, इस साइड वाली साइड क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, आपके पास बन गया इथेनॉल। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो आपके पास एल्कीन है ये क्या है, यह सिमेट्रिकल एल्कीन है, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वहां पे क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, मार्कोनी का फूल कहता है कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी जो है वो कंपाउंड ऐड करते हैं, जो पॉजिटिव पार्ट होता है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस वाले कार्बन के ऊपर जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास एच पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो एच यहाँ पे जाएगा, OH जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास बनेगा CH3CH, इधर आएगा OH और यहाँ पे आएगा CH3, ये आएगा आपके पास 2° एल्कोहल, या फिर इसको आप प्रोपेन टू वोल भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये आएगा फ्रॉम एल्कीन से। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम ईथर, नंबर 5 इज फ्रॉम ईथर। ईथर से भी आप जो है वो कर सकते हो बाय मींस ऑफ हाइड्रेशन से ही। सपोज करो ROR है, ठीक है, प्लस इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, इसको एक एच दे दो, इस वाले को OH दे दो, तो आपके पास ट्वाइस जो है वो ROH है वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH3 है, डाइमिथाइल ईथर, प्लस को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, और कितने टाइम बनेगा, 2 times बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, फ्रॉम प्राइमरी अमाइन, फ्रॉम प्राइमरी अमाइन्स जब आप RNH2 को जो है किसके साथ ट्रीट करते हो, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हो, HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड, तो क्या होगा, इसका एक OH इसको दे दो तो आपके पास ROH बनेगा, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन गैस निकलेगा, और ये H2 जो है वो इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, वो वाटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2 प्लस OHNO इट गिव्स CH3OH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। लास्ट बोवेंट ब्लैंक रिडक्शन, नंबर 7, बोवेंट ब्लैंक रिडक्शन, ये वाली रिडक्शन क्या होती है, सोडियम इंटरग्रेट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपके पास एल्डिहाइड हो, आपके पास कीटोन है, या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आप कोई भी जो ले सकते हो। सपोज करो आपके पास CH3 है, सी डबल बॉन्ड को एच प्लस यहाँ पे वही चीज हाइड्रोजन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, तो एक एच यहाँ पे दे दो, एक एच यहाँ पे दे दो, रिडक्शन हो जाएगी, तो आपके पास बनेगा CH3CH2OH। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप कीटोन लोगे वही चीज है, मैंने पीछे जैसे लिथियम एल्कलाइन हाइड्राइड के साथ किया वैसे ही यहाँ पे भी किया, खाली यहाँ पर जो है वो आपके पास जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, H2 आ जाएगा सेम वही, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, आपके पास बनेगा CH3CHOH CH3। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपने जो है वो CH3C डबल बॉन्ड OH लगाया, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जब आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, देखो इस केस में क्या होता है, इतने से जो है आपके पास अल्कोहल बनेगा, मुझे यहाँ पे H2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक H लगाना पड़ेगा, दैट इज 3 times H, और ये OH जो है इसको भी एक H देना पड़ेगा, तब जाके वाटर जो है वो रिलीज होगा, इसको मतलब यहाँ पे मुझे जो है वो 4 हाइड्रोजन की जो है वो जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3CH2OH प्लस आएगा आपके पास वाटर, ठीक है। अब चाहो तो एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से भी जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिएक्शन सेम होगी खाली रिएक्शन कंडीशन डिफरेंट होगी, वहां पे क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास कि अल्कोहल जो होते हैं वो कैसे
इंडेक्स हम जो है उसकी